घुमारवीं डिविजनल स्टोर को पूर्व सरकार के निर्देशानुसार 2015 में बंद कर दिया गया था तथा विद्युत विभाग का डिविजनल स्टोर रघुनाथपुरा जबली स्थानांतरित कर दिया गया था। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि स्टोर को बंद करने के पीछे उद्देश्य यही बताया जा रहा था कि विद्युत विभाग का खर्चा कम किया जाएगा, लेकिन इस स्टोर के बंद हो जाने से विद्युत विभाग के कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ गई थी। इस मुद्दे को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखा गया। घुमारवीं डिविजनल स्टोर को पूर्व सरकार के निर्देशानुसार 2015 में बंद कर दिया गया था तथा विद्युत विभाग का डिविजनल स्टोर रघुनाथपुरा जबली स्थानांतरित कर दिया गया था। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस स्टोर को बंद करने के पीछे उद्देश्य यही बताया जा रहा था कि विद्युत विभाग का खर्चा कम किया जाएगा, लेकिन इस स्टोर को बंद हो जाने से विद्युत विभाग के कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ गई थी। इस मुद्दे को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखा गया और इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस स्टोर को घुमारवीं में खोलने के लिए मंजूरी दे दी थी, जिसका कि उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बिजली का जनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण सही ढंग से हो, इसके लिए 25 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत ऊर्जा विकास योजना के तहत घुमारवीं शहरी क्षेत्र में 5 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके तहत नसबाल से घुमारवीं के लिए अलग 11 केवी हाई ट्रेशन लाइन का कार्य चल रहा है। घुमारवीं नगर परिषद में 11 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 12 उपकेंद्रों की क्षमता को बढ़ाए जाने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्यक्ष योजना के तहत सब स्टेशन भराड़ी के तहत हाई ट्रेशन लो ट्रेशन लाइनों को बदलने के लिए कुल 9 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी प्रकार विद्युत शुद्धिकरण के लिए कुल 3 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत सुधारीकरण के तहत जाहू से भराड़ी तथा भराड़ी से कांगू 33 केवी लाइन की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इससे विद्युत उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति कभी भी बाधित ना हो, इसके लिए नियंत्रित कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। विद्युत विभाग के घुमारवीं में जो मंडल स्तरीय डिविजनल लेवल का स्टोर रूम था, वो पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ बंद कर दिया था, जिसके कारण यहाँ के कर्मचारियों को और क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक फ्यूज बार भी, वायर भी अगर कहीं से लानी पड़ती थी तो उसके लिए यहाँ के कर्मचारियों को बिलासपुर जाना पड़ता था, और जिसके कारण उनका समय भी बर्बाद होता था, पैसा भी बर्बाद होता था और लोगों को लंबे समय तक बिजली की रुकावट का सामना करना पड़ता था। हमने इस बात को प्रदेश की सरकार के समक्ष रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, और मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही इस कार्यालय को, इस भंडारण को फिर से खुलवा देंगे। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनके आशीर्वाद से यह मंडल स्तरीय जो है विद्युत विभाग का स्टोर जो है यहाँ पुनः स्थापित हो गया है और उसका विधिवत रूप से जो है लोगों के लिए वो उसको समर्पित कर दिया है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।